नमस्ते, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़ में एससी जो समुदाय है वो कह सकते हैं इस समय काफी चर्चा में है। उसका कारण है जो बलौदा बाजार में जो घटना हुई, एक वो वजह थी, और लेकिन उससे पहले जो एससी समाज फिर से सुर्खियों में तब आया था जब खुशवंत साहेब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। इनके पिताजी और खुशवंत साहेब आरंग से पहली भाजपा के दिग्गज मंत्री को हराया, उसके बाद से सुर्खियों में, और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद हैं विधायक खुशवंत साहेब। सर, छत्तीसगढ़ तक में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। तो सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस 7 महीने का? विष्णुदेव साय साहब की सरकार को 7 महीने हो गए हैं, इन 7 महीनों में कैसा रहा अनुभव आपका और अब तक क्या समझ पाए? देखिए, 7 महीनों में अनुभव इतना ज्यादा इतना अच्छा है कि लगातार आज हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो सुशासन की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, तो लगातार छत्तीसगढ़ के उन्नति और विकास हो रहा है। ऐसा कोई वर्ग नहीं बच रहा है जिसके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सोच नहीं रहे हो, चाहे वो किसान हो, जो माताएं हैं, महिलाएं हो, चाहे गरीब हो, हर किसी के लिए सोच रहे हैं और हर किसी के लिए लगातार विकास कार्य आप देख रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे भारत देश में अनेक मुख्यमंत्री हुए जो हमेशा घोषणाएं करते हैं, संकल्प लेते हैं, 5 साल में उसको पूरा करने, कई लोग तो पूरा भी नहीं कर पाते, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं भारत देश के, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो मात्र 100 दिन में बड़ी बड़ी जो मोदी की गारंटी थी उसको पूरा करके इन्होंने दिखाया। तो आप लोग कहते हैं कि 7 महीने में ही वो सब चीजें काम की जो अनएक्सपेक्टेड थी और जो जनता तक सीधे उसका लाभ मिला, लेकिन कांग्रेस लगातार हमलावर है कि 7 महीने में तो पता ही नहीं चल रहा है कि विष्णुदेव का सुशासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और विधानसभा में भी जो अभी हाल ही में खत्म हुआ उसमें भी काफी हमलावर थी विपक्ष। देखिए, कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। उन्होंने जब उनकी सरकार थी वो अपने आप को किसान हितैषी कहा करती थी, और क्या किया उन्होंने, जो चौथा किस्त किसानों को देना था उसको डकार दिया। उनकी नीयत ही नहीं थी किसानों को समृद्ध बनाने की। अगर नीयत होती तो एक मुश्त धान का जो समर्थन मूल्य है वो देती, अब एक मुश्त तो दी नहीं। चुनाव का जो वोट बैंक समझने के लिए या वोट लेने के लिए जो मतलब लालच देने का काम वो लोग कर रही थी, और वो ये सोचे कि चौथा किस्त देंगे, इस बहाने लोग आएंगे, ऐसा करके उन्होंने चौथा किस्त भी डकार दिया। साथ ही गरीब, जिसका वो लोग बोलते हैं हम गरीब का सम्मान करते हैं, गरीब के लिए काम करते हैं, पूरे 5 साल में एक भी गरीबों का प्रधानमंत्री आवास उन्होंने नहीं बनाया। पक्का मकान है, हर किसी का एक सपना होता है, हर गरीब का सपना होता है मेरा पक्का छत हो, उस पक्के छत के नीचे हम रहें, लेकिन गरीबों का आवास छीनने का काम ये कांग्रेस वाले किए। अब आज सुशासन की सरकार 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर रही है, महिलाओं को जो तो देखिए, इस टाइप की बातें हैं कि उन लोगों ने कुछ किया नहीं, गरीबों का हक छीना उन्होंने, किसानों का हक छीना उन्होंने, जो महिलाएं हैं जिनको उन्होंने झूठ बोला कि 500 रुपए देंगे और 5 साल तक उनका सूद नहीं लिया, उनके बारे में ना सोचा, और उनके ऊपर अनेक अत्याचार, आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही संवेदनशील घटना हुई थी, बहुत ही दुखद घटना, रक्षाबंधन, ऐसे पवित्र त्यौहार जिस दिन बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बोलता है कि मैं बहन आपकी रक्षा करूंगा, ऐसे शुभ दिन, ऐसे पवित्र दिन आरंग विधानसभा के मंदिर और स्वर्ग दो सगी बहनों के साथ बलात्कार जैसा ऐसा अपराध हुआ था। इन्हीं के कांग्रेस के सरकार में आपको मालूम होगा SP कार्यालय के पार्किंग में जो महिला की अस्मिता को लूटा गया था, तो ऐसी घटनाएं करने गया ना, उनका सूद नहीं लिया और उनके पर अत्याचार करने का काम किया और इसके लिए कोई उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन में लगातार महिला सुरक्षा को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए उनको 1000 रुपये महीने दिया जा रहा है, 6 किस्त उनके खाते में पहुंच चुके हैं। ऐसी अनेक योजनाएं लगातार आ रही हैं जिससे आज हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध हो रहा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो संकल्प है आने वाले 2047 तक इस भारत देश को विकसित भारत बनाना है, तो उसके लिए ये रोड मैप तैयार हो रहा है और निश्चित ही पूरा विश्वास है कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकसित प्रदेश बनेगा।
आपने स्वयं से जिक्र कर दी कानून व्यवस्था को लेकर, तो कानून व्यवस्था के ही मामले में पहली बार विपक्ष ने इतना बड़ा आंदोलन किया और लगातार सरकार पे हमलावर है कि विष्णुदेव साय की सरकार छत्तीसगढ़ बनने के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ गई है और उसको जोड़ा, बालोदा बाजार को भी उसी से जोड़ा और निश्चित रूप से बालोदा बाजार की जो घटना हुई उससे कहीं ना कहीं जो समुदाय है आपका सतनामी समाज वो भी कहीं ना कहीं आता है और उसका ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो गए कि एक बालोदा बाजार के कंपोजिट बिल्डिंग में आग लगा दी गई। इसको लेकर कांग्रेस काफी हमलावर थी, क्योंकि आपने कानून व्यवस्था का जिक्र किया इसलिए मैंने पूछा। देखिए, कानून व्यवस्था जब से सुशासन की सरकार आई है, व्यवस्था इतनी अच्छी हो चुकी है, जो अपराधी हैं उनके हालत खराब है, आज लगातार उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जैसे कि बात हम करें नक्सली की, नक्सली इन्होंने खत्म कभी नहीं किया, नक्सली को बढ़ावा दिया, लेकिन आज जब से हमारे विष्णुदेव साय जी का शासन आया है, साथ ही हमारे माननीय गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में आज नक्सली को जो हम खत्म करने का जो संकल्प लिए हैं, आज उसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगभग 150 से ऊपर नक्सलियों को मार दिया गया है, इसके अलावा लगभग 1000 से ऊपर ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने या तो आत्मसमर्पण कर दिया या बहुत सारे तरीके से उन्होंने त्याग कर दिया। तो ऐसे काम हमारे विष्णुदेव साय जी के सुशासन में, गृह मंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में हो रहा है और जो शासन प्रशासन बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और जो कानून व्यवस्था है बहुत अच्छे से। अब इस कानून व्यवस्था को जो अच्छे से व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं विष्णुदेव साय जी के सुशासन, उसको बिगाड़ने का काम, माहौल को बिगाड़ने का काम, छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम, क्योंकि इन्होंने तो छत्तीसगढ़ को सुधारा नहीं। तो बालोदा बाजार से आप जोड़ रहे हैं कि जो वहां पे जो घटना हुई उसमें बदनाम करने की साजिश हुई, ये साजिश के तहत हुई और इस साजिश में आप किसका नाम लेंगे? देखिए, बिल्कुल इसमें साजिश तो है, जो बलौदा बाजार की जो घटना है कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से उस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि पूरी घटना सुनियोजित, बिल्कुल मैं बिल्कुल समझता हूँ सुनियोजित है ये घटना, क्योंकि सतनामी समाज अहिंसा का पुजारी है, शांति का प्रतीक चिन्ह सादा झंडा, घासीदास जी का भी यही संदेश था शांति का मार्ग, बिल्कुल गुरु घासीदास बाबा जी का संदेश है सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलना, और हमारा सादा झंडा जो सत्य और अहिंसा का प्रतीक चिन्ह है, शांति का प्रतीक चिन्ह है, उसके नीचे हम सब सतनामी समाज रहते हैं और पूरा सर्व मानव समाज गुरु घासीदास बाबा जी को मानता है और उनका संदेश मन के एक समान था, सबको बराबर उन्होंने सम्मान दिया हुआ है। तो ऐसे समाज थे और अनेक आंदोलन हमारे हुए हैं और वो भी शांतिपूर्वक, ये भी आंदोलन शांतिपूर्वक था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व तो उसमें घुसे, जो और जो असामाजिक तत्व तो उसकी ना जात होती है ना पात होती है, उनका एक ही चीज होता है माहौल को बिगाड़ना। जो काम कहीं ना कहीं दिखाई देता है कोई असामाजिक तत्व उसमें घुसा है और माहौल को बिगाड़ के ऐसे गलत कृत्य को किया हुआ है। बालोदा बाजार की जो घटना हुई उसमें कांग्रेस पे भी आरोप लग रहे हैं, भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाती है, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाती है, मंच पे बात होती है कि अन्य नेताओं ने मंच भी सादा किया, भूपेश बघेल बार बार कहते हैं कि इसमें बीजेपी के लोग शामिल है, बीजेपी कहती है कि विपक्ष के लोग शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें क्या लगता है कि समाज में दो फाड़ हुई है, समाज बटा है? ठीक है, समाज कहीं पर कोई नहीं बटा है और जिस प्रकार से जो विपक्ष इस तरीके के आरोप लगा रहा है तो आप भाजपा पे आरोप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि भाजपा वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, जो दिखाई दे रही है आपके लोग दिखाई दे रहे हैं जो वहाँ पर गए, आपको मालूम है जब वहाँ माहौल खराब हो रहा है, लोग जो भाषण दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जब आप एक जनप्रतिनिधि हो प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए, प्रदेश में शांति व्यवस्था के लिए आपको जनप्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, तो आपका काम है कि शांति से सारी चीज को किया जाए और ऐसे भड़काऊ भाषण हो तो उसको आप जाके समझाएं, लेकिन ये लोग क्या किए वहां जाके और भड़काने का काम किया, भड़काऊ भाषण चल रहा है तो और तालियां बजा रहे हैं और लोगों को भड़काने का, और ये लोग भड़का के इस तरीके से कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम देने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया, तो ये अपने गिरेबान पे झाके हमारे ऊपर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। समाज में भी लोग भी इससे एकजुट हो रहे हैं और इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं आंदोलित है और बड़ी आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं कि घिराव करेंगे और जो गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं 170 से शायद अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं उसको लेकर भी क्या समाज में नाराजगी है और आप तक कोई जानकारी है? क्योंकि आप इस समाज के धर्म गुरु हैं, निश्चित रूप से इस समाज के प्रति आपकी जवाबदेही है, उस लिहाज से भी आप तक कोई जानकारी है कि समाज इसमें और भी कोई बड़े कदम उठा रहा है क्या? देखिए, जो समाज है सतनामी समाज है, मैंने शुरू में ही कहा शांत प्रिय समाज है और स्वाभिमानी समाज है, अपमान को कभी भी सहता नहीं। जब हमारे सेठ खाम को खंडित किया गया तो हमारे समाज ने आंदोलन किया और 48 घंटे के भीतर सुशासन की सरकार में कार्रवाई और तीन लोग गिरफ्तार हुए। जो तीन गिरफ्तार हुए निश्चित ही समाज को एक डाउट हुआ जब पता चला कि वो तीनों बिहार प्रदेश के, तो बाहर प्रदेश के होने की वजह से समाज को एक आशंका हुआ कि हो सकता है इसके पीछे और कोई लोग इन्वॉल्वमेंट हो, कोई और इसमें संलिप्त हो,
कोई और जुड़ा हो जिस घटना को अंजाम देने का काम किया। तो समाज की एक मांग हुई कि इसमें एक निष्पक्ष जांच हो, ताकि इसके पीछे अगर कोई और अपराधी है तो वो भी पकड़ाए और वो भी जेल के अंदर जाए, दोषी जेल के अंदर जाए, ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। इस मांग को लेकर लगातार बातें चल रही थी और उसी को लेते हुए 10 तारीख को, ये 10 जून को जो आंदोलन था, महाआंदोलन जो रखा गया था समाज के द्वारा, वो रखा गया था, वो भी शांतिपूर्वक था। उसके एक दिन पहले 9 तारीख को हमारे माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने और मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी। तो जो समाज का जो मांग था कि निष्पक्ष जांच हो, एक निष्पक्ष हो, इसमें किसी प्रकार का कोई किसी का कोई गड़बड़ ना हो, मतलब निष्पक्ष हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई मिलावटी ना हो, कोई भ्रष्टाचारी उस व्यक्ति उसमें ना हो, ऐसा सारा चीज था। तो उसको देखते हुए बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री थे और बहुत ही अच्छे हमारे गृह मंत्री जी हैं, जिन्होंने तत्काल न्यायिक जांच की घोषणा की और न्यायिक जांच की घोषणा होगी, उसके बाद उसका जांच होना और उसमें अपराधी निश्चित ही पकड़े जाने हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोग, सारे लोग जो असामाजिक तत्व हैं या विपक्ष के लोग भी हम बोल सकते हैं, जिनको कहीं ना कहीं ये दिखाई दिया कि अब समाज कहीं ना कहीं समाज को न्याय मिलने वाला है, क्योंकि 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने 2018 से 2023 में एक भी जो समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे थे तो उसमें एक बार भी किसी प्रकार का उन्होंने न्याय दिया। मैं इसके लिए उदाहरण आपको बता सकता हूँ, हमारे मंत्री थे, वन मंत्री थे आप मोहम्मद अकबर जी, उनके विधानसभा कवर्धा में धर्मपुरा कांड हुआ था, जहाँ जैत खाम को जला दिया गया था, सतनामी समाज ने अपने खून पसीने से भवन बनाया था, उसको तोड़कर उनको मार पीट कर लहू लुहान कर दिया गया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर में हमारा जैत खामगढ़ा था, उसको रोड बनाने के नाम से उखाड़ दिया गया। ऐसे अनगिनत कांड हुए, इन्होंने कुछ सुध तो लिया नहीं। आज कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय जी के शासन में समाज को न्याय मिलने जा रहा था, उस न्याय जो न्याय मिल रही थी तो उस समाज को भड़काने का काम, उसमें बीच में असामाजिक तत्व घुसकर इस माहौल को खराब करने का काम, ये सब लोगों ने किया। और आज समाज कहीं ना कहीं ये जो असामाजिक तत्वों ने किया है, इस जो गलत कृत्य को किया है, तो समाज काफी कड़े शब्दों में इस कृत्य का निंदा कर रहा है, सतनामी समाज, और ये वो समाज भी ये कह रहा है कि ऐसे कृत्य करने वाले, ऐसे गलत कार्य करने वाले जो हमारे कलेक्ट्रेट परिसर को जला दिए, ऐसे लोग के दोषियों के ऊपर कड़ी से कार्रवाई हो। और समाज इसमें एकजुट है, समाज सिर्फ न्याय चाहता है कि जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। अगर इस मामले में अगर समाज फिर से कोई आंदोलन करता है, या जो अभी तक चीजें निकल कर आ रही है कि इसमें जांच से समाज के कुछ अंदरूनी महकमे में इससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या लगता है कि वो बड़ा आंदोलन करता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी नुकसान पहुंचेगा? देखिए, समाज कहीं पर भी कोई आंदोलन अभी नहीं करने वाला है, क्योंकि आपके समाज से जो धर्मगुरु है वो कांग्रेस से भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं समाज कहीं बढ़ तो नहीं रहा? नहीं, पॉलिटिक्स में कोई समाज नहीं बटने वाला है, क्योंकि वो भी एक धर्मगुरु है, हम भी एक समाज के परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज हैं, तो हम सबका एक ही कर्तव्य है कि समाज को एकजुट रखना और समाज को एक सत्य और अहिंसा के रास्ते में लेके जाना, उनके हक अधिकार को दिलाना हमारा कर्तव्य है, जिसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। तो समाज किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करना चाह रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए या अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए वो जो आंदोलन करना चाह रहे होंगे तो चाह रहे होंगे, समाज इसमें किसी प्रकार का कोई इसमें संलिप्तता नहीं दिखाई देती है, वो किसी प्रकार का आंदोलन नहीं है, वो सिर्फ एक ही मांग कर रहा है, एक ही चाह उसकी है कि किसी भी प्रकार से जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए, जो जैत खाम को खंडित करने का काम किया, अगर उसके पीछे 3 के अलावा और कोई लोग हैं तो वो लोग पकड़ाएं और वो लोग जेल जाएं, और साथ ही जो बलौदा बाजार कांड में जो असामाजिक तत्वों ने जो कांड किया है, गलत काम किया है, उन लोगों पर कार्रवाई। क्या लगता है कि इस घटना से कहीं ना कहीं डायरेक्टली खुशवंत साहब की पॉलिटिक्स या आगे की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, नुकसान वाली कोई बात नहीं है, हम पूरा समाज एक है और सब जानते हैं कि समाज ने ऐसा कोई गलत कृत्य किया नहीं है, ना ऐसा गलत कोई कार्य किया, जो है वो असामाजिक तत्वों ने काम किया है, तो कार्यवाही उनके ऊपर हो रही है, तो इसमें ऐसा कोई छवि पे धूमिल वाली बात नहीं है। बस इतना है कि हाँ, हम पूरे सतनामी समाज, जो पूरे भारत देश में सतनामी समाज, हमारे करोड़ों सतनामी समाज हम सब निवास करते हैं, निश्चित ही हमको दिल से हम सब आहत हैं इस घटना से, क्योंकि हमारा समाज का आंदोलन था और हमारे समाज के आंदोलन में असामाजिक तत्वों ने घुसकर इस गलत कृत्य को अंजाम दिया, इसलिए हम सब आहत हैं और हम चाहते हैं जो आज गुरु घासीदास बाबा जी का संदेश सत्य अहिंसा का मार्ग है का रास्ता जो उन्होंने बताया है,
उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास यह सामाजिक तत्वों ने किया है। तो हम सब पूरा सतनामी समाज मिलकर चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ऐसे लोगों के ऊपर, कार्रवाई हो ताकि दोबारा ऐसी घटना को कोई अंजाम न। अभी तक जो कार्रवाई और जांच के बाद जो कार्रवाई हो रही है लगातार की, उससे आप व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हैं? देखिए, जो वीडियोस में दिख रहे हैं, फोटोज में दिख रहे हैं, जो गाड़ियों को तोड़ रहा है, कोई कलेक्ट्रेट परिषद में पत्थर फेंक रहे हैं, ये सारे चीज जो गलत कृत्य कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उस सारी चीजों से हमें ठीक लगता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। अगर जो चाहते हैं आंदोलन करना, अगर वो ये बता दें, कोई हमको नाम दिला दें कि किसी को निर्दोष को गिरफ्तार कर लिया गया है, निर्दोष को जेल में भेज दिया गया है, तो निश्चित ही उसको उसका नाम हमको ला के दें, हम बिल्कुल सरकार आपके साथ है। मैंने शुरू में ही जब ये घटना हुई थी तभी मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के साथ, विष्णु देव साई जी की सरकार आपके साथ है, सतनामी समाज के साथ है, बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा। जहां आपको डाउट लगता है सतनामी समाज के साथ, समाज प्रमुखों के साथ बैठने के लिए मुख्यमंत्री जी तैयार हैं, आप आइए, आपको हमेशा समय देंगे, आपके साथ बैठेंगे, लेकिन सही चीज के लिए, गलत चीज की मांग करेंगे तो। क्या लगता है कि आपने कहा सतनामी समाज विष्णु देव साय की सरकार के साथ साथ है, छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में 10 सीटें मेरे ख्याल से एससी के लिए रिजर्व है, उसमें से मात्र 4 सीटें ही मेरे को लगता है कि बीजेपी के पसाई में, सही हूँ? तो क्या लगता है अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस का पलड़ा इस सब सीट पे भारी है, तो इससे पता चलता है कि बीजेपी के साथ वो समर्थन नहीं दिखता है एससी वर्ग का। देखिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा, 10 सीट एससी सीट के लिए रिजर्व है, लेकिन 54 ऐसी सीट है छत्तीसगढ़ में जहां सतनामी समाज की बहुलता है और वो जिताने में निर्णायक भूमिका निभाती है। वही बता रहा हूँ, 35 सीटें ऐसी हैं जहां तो एकदम पूर्ण रूप से जहां समाज चला गया वो मतलब वो सीटें वो जीत जाएगा, वो पार्टी जीत जाएगा। तो निश्चित ही आज अगर कहीं ना कहीं सरकार बनी है तो सतनामी समाज की एक प्रमुख भूमिका है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने में। भारतीय जनता पार्टी को समाज ने प्रमुख रूप से सपोर्ट किया है, तब कहीं जाके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कहते हैं कि समाज ने भरपूर सहयोग दिया, उसके बदौलत निश्चित रूप से विधायक जीते हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका प्रतिनिधित्व उनका साथ दिया, लेकिन क्या लगता है सरकार में आपके वर्गों को उतना प्रतिनिधित्व तो मिला जितना मिलना चाहिए? बिल्कुल, हमेशा मिलता है, प्राथमिकता मिलती है, समाज को प्राथमिकता मिलती है और समाज का सर्वांगीण विकास होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताता हूँ, 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने हमारे सतनामी समाज का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र गिरौदपुरी था, एक ईटा नहीं रखा गया, एक रुपए का विकास कार्य नहीं किया गया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साई जी की सरकार बने मात्र 7 से 8 महीने हो रहे, लेकिन 8 महीने के अंदर ही आपको मालूम होगा, कुछ दिन पूर्व ही अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आरंग विधानसभा गए थे, जहां परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की कर्म स्थली भंडारपुरी धाम पड़ती है, जो लगभग 24 साल से निर्माणाधीन पड़ा हुआ है, आज तक उसमें विकास कार्य नहीं हुए, आज तक कोई पैसा वहां पे पड़ नहीं गया, लेकिन आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को आए थे, 3 अगस्त को आए थे और उन्होंने 17 करोड़ रुपए भंडारपुरी धाम के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने दिया। तो ये काम विष्णुदेव साय जी की शासन कर रही है, जो हर वर्ग को सहयोग कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ये मैंने आस्था के लिए बता दिया, इसके अलावा आज प्रधानमंत्री आवास अगर स्वीकृत होते हैं तो कहीं ना कहीं गाँव में या तो SC रहता है या ST रहता है या OBC सबसे ज्यादा है, तो आज अगर प्रधानमंत्री आवास सबसे ज्यादा बनेंगे तो इनके बनेंगे, और जो बहुत सारे चीजें हैं वो सभी चीजों का लाभ आज SC ST को मिल रहा है। ये सब काम हो रहा है लगातार, सुशासन की हर क्षेत्र में हमको सम्मान दे रही है। पर ये आवास देने वाले में कहीं ना कहीं भेदभाव हुई गांव में मिल रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसकी जो स्वीकृति वो नहीं हो रही, कांग्रेस ने भी इसको लेकर विधानसभा में घेरा और विष्णु अरुण साहू ने बयान भी दिया कि शहरी जो क्षेत्र है उसके लिए भी स्वीकृत नहीं हुए, तो ये पक्षपात का भी आरोप कांग्रेस लगाई कि आप गाँव में सिर्फ दे रहे हैं, शहर के लिए अभी तक आप लोगों ने गरीबों को मकान नहीं दिया। देखिए, ये सब झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं, शहर में भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने हैं और गाँव में भी होने हैं। जो हमारे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास हैं वो पूरे सभी जगह पूरे प्रदेश में होना है, तो ऐसा कहीं पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। लगातार प्रधानमंत्री आवास जहां जिसको गरीब को जरूरत है, जो उसके जो ऑन पेपर पात्रता रखता है, हर किसी को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है और मिलेगा, इसमें कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव की राजनीति वो करते थे, हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री सीधा कहते हैं, हमारे लिए 4 ही जाति हैं, गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है, और इनके लिए हम काम करेंगे।
यशवंत जी निश्चित रूप से पहली बार के विधायक है, लेकिन बातों में परिपक्वता इतनी आ गई है कि कोई कह नहीं सकता कि खुशवंत साहब पहले बार के विधायक है। क्या बदलाव आया अभी के आपके जो ड्रेसअप दिन, और निश्चित रूप से बड़ा सामान्य और एक युवा और हैंडसम लुकिंग वाला है, क्या लगता है कि नेता बनने के बाद इस सब चीजों में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, किसी चीज में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज हैं और हमारे पिताजी राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी लगातार समाज सेवा कर रहे हैं और वो हमारे आदर्श हैं। उनको हमने देखा है, उनके संघर्ष को हमने देखा है। उन्होंने एक सिर्फ सतनामी समाज ही नहीं, मैंने देखा था तिल्दा से बेमेतरा बाहर के कुछ लोग आए थे जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों की जमीन को कब्जा कर लिए थे, छोड़ नहीं रहे थे। उसके लिए उन्होंने पद यात्रा किया था तिल्दा से लेकर बेमेतरा तक, और उनके पैर में जब मैंने देखा कि बड़े बड़े फोड़े पड़ गए थे, वो खुला पैर जब वहाँ चले थे और गर्मी का समय था, तो मैंने ये सारी चीज़ों को देखा है, संघर्ष को देखा है, तो वो मेरे आदर्श हैं और उसी आदर्श को लेके मैं चल रहा हूँ कि हमको सर्व समाज को लेके चलना है, उनके उन्नति और विकास, उनके हक अधिकार को, जितना हम उनका सेवा करेंगे वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, तो वो काम हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। सेवा करना है और सेवा ही परमो धर्म है, इसको लेकर हम चले। पहले और अब में कुछ बदलाव तो आया होगा, पहले एक सामान्य वर्ग समाज सेवा और धर्म गुरु के नाम पे तौर पे थे, अब एक जिम्मेदारी मिल गई है, उसको लेकर कुछ बदलाव आया, लोगों की उम्मीद महत्वाकांक्षाएं, और क्या होता है कि लोगों की जो संतुष्टि वो पूरी होती नहीं, तो क्या कभी कभी लगता है कि यार जितना भी कर लो उतना कम ही रहता है? देखिए, निश्चित ही जिज्ञासा लोगों की होती है, एक्सपेक्टेशन तो बहुत होती है, और युवाओं से तो ज्यादा होती है। बिल्कुल, युवाओं की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, और युवा ही वो वर्ग है जो सबसे ज्यादा काम भी करता है। आज इस भारत देश को विकसित भारत बनाया, तो युवाओं के कंधे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो निश्चित ही हमारा प्रयास है युवाओं को एक मुख्य धारा में हम लेके आए, क्योंकि आजकल युवा भी दूसरे गलत रास्ते में भी ज्यादा भटक रहा है, क्योंकि आजकल फैशन का जमाना है, तो लोग कहीं गलत गलत चीजों में रास्तों में चले जाते हैं, तो उससे सही रास्ते में लाने का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे राजनीति आने से और कहीं ना कहीं इस पद में आने से एक फायदा जरूर हुआ है कि मैं पहले सेवा करता था लेकिन मुझे बहुत कठिनाई होती थी लोगों का हक अधिकार दिलाने में। आज कहीं ना कहीं इस पद में आने के बाद थोड़ी और आसानी होती है मुझे लोगों का हक अधिकार दिलाने में। हाँ, आपको पहले एक उम्मीद रहती थी और उसको उतना अधिकारपूर्वक नहीं करा पाते थे, अब वो चीजें को कह सकते हैं जनता तक पहुंचाने के माध्यम मिल गया है आपको। बिल्कुल, एक बड़ा माध्यम है ये, पहले माध्यम की लोग आस लगाए बैठे हैं, ब्रिजमोहन जी के दिल्ली जाने से पहले एक 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 उम्मीद थी, उनके दिल्ली जाने के बाद दो सीटों पे उम्मीद बच गई है। क्या खुशवंत साहब जी को लगता है कि उस एक सीट में इनका चेहरा फिट होगा? देखिए, वो तो पॉलिटिक्स में, राजनीति में चाहूंगा कि बहुत बातें तो होती है, एक संगठन के नाते और एक प्रोटोकॉल के नाते, पर मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसा बोलिए कि लोगों को पता चले कि वाकई में क्या खुशवंत जी को ऐसा लगता है कि जब एक बार के विधायक उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, तो क्या अब खुशवंत जी भी उस पे फिट बैठते हुए दिख सकते हैं या नजर में आ रहे हैं सीएम? देखिए, यहाँ पर सुशासन की सरकार है छत्तीसगढ़ में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी पहले सरपंच थे, सरपंच से जनपद, जनपद से आज विधायक, सांसद, सांसद से विधायक, आज मुख्यमंत्री हैं। तो एक कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा है, तो यहाँ पर यह है कि हर कार्यकर्ता आज मजबूत है, हर कार्यकर्ता का एक ही उद्देश्य है, लोगों की सेवा करना। पर आरंग वाले नहीं बोल रहे हैं कि हम तो साहब पिछले बार यहाँ से जिताए थे तो मंत्री मिले थे, इस बार जीता है तो सिर्फ विधायक से काम चलाने पर मंत्री कब बनिएगा, ये तो पूछते ही होंगे आरंग वाले से। आरंग वालों का एक ही चाह है कि हमको भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए था, जो आज उनको उनको मुक्ति मिल गई है। आरंग वालों को ये चीज है डर, भय, आतंक, मारपीट, गुंडागर्दी, इससे मुक्ति चाहिए थी, जो मिल गई। ये सारी चीजें उनको चाहिए था कि उनके क्षेत्र का बेटा विधायक बने, वो चाहते थे हम अपने सुख और दुख को अपने बेटे के साथ बातचीत कर सकें, उसको साथ अपन शेयर कर सकें। आज उनके साथ वो सारी चीजें शेयर हो रही, हमारा विधायक हमारे क्षेत्र में आए, हमारे गांव में आए, हमारे शहर में आए, हमारे बीच बैठे, हम हमारे सुख दुख को बात करें, आज वो सारी चीजें उनको मिल गई, तो उनका सारे एक्सपेक्टेशन आज पूरा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो अगर शायद मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला तो एज ए मंत्री कौन सा विधायक, या अभी ऐसे नहीं है उसके बाद भी आपको ऐसा ही एक ड्रीम होता है ना कि मुझे, जैसे मेरा एक ड्रीम होता है, मैं रेलवे को बहुत पसंद करता हूँ, वैसे अगर खुशवंत जी से पूछे कि यार अगर कोई कभी कोई बोले कि खुशवंत जी या मंत्री बनो और विभाग चॉइस करने का अगर बोले तो कौन सा विभाग होगा? मेरा तो उद्देश्य है सेवा करना लोगों,
लोगों के बीच जाना, उनके हक अधिकार को दिलाना। विभाग पूछ रहा हूँ कि एक पसंदीदा विभाग होता है, उस विभाग खुशवंत जी को कौन सा विभाग ज्यादा अच्छा लगता है, ये विभाग मौका मिला तो इसमें मैं काम करना। या सीएम साहब खुद पूछ लिया कि खुशवंत जी आप बताइए अगर आप मंत्री बनाता हूँ तो कौन सा विभाग आप काम करना चाहेंगे, तो ऐसे आप कौन सा विभाग चूज करेंगे? मैं बस उनको यही बोलूंगा, मुझे लोगों की सेवा करनी है और आप उनको उनके हक अधिकार को दिलाइए, जो मेरे क्षेत्र की या मेरे प्रदेश की जो मांग आती है उसको आप बस पूरा कीजिए। मेरा बस दिली इच्छा यही है कि जनता खुशहाल रहे, किसान खुश रहे, महिलाएं खुश रहे, सर्व समाज खुश रहे, बस यही मेरा उद्देश्य है। और इसके लिए सुशासन की सरकार लगातार काम कर रही है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं चाहूंगा आने वाले समय में और ज्यादा तीव्र गति से प्रदेश का विकास हो, विकास हो, बस इसी के लिए अपन चाह रहे हैं और वो हो रहा है, तो मैं इससे संतुष्ट हूँ। बस मुझे यही चाहिए कि और अच्छे से विकास हो। अच्छा, ये अंतिम सवाल अपन करते हैं, अब खुशवंत जी घोड़ा कब चढ़ने वाले हैं, या प्रस्ताव आने लगे हैं लड़की वालों की तरफ से कि खुशवंत जी अब कब मंडप में बैठेंगे और कब फेरा लेंगे? देखिए, अब वो तो हमारे माता और पिताजी के ऊपर है, जब वो उनका आदेश होगा और जब जैसा होगा और जब संयोग होता है, ये सब चीजें ऐसा है कि संयोग जब बैठना होता है तो बैठता है, तो जब संयोग बनेगा तब उस पर देखा जाएगा कि क्या। विधायक रहते रहते संयोग हो जाएगा। अब देखिए, ये तो बाबा जी गुरु घासीदास बाबा जी की कृपा आशीर्वाद, उनका जैसा आदेश हो, उन्होंने ये आदेश किया है कि विधायक बन के जनता की सेवा करो, तो आज उनका आशीर्वाद मिला है। और रिश्ते तो आ रहे होंगे? अब रिश्ते का मुझे नहीं मालूम आ रहे कि नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे पास तो नहीं आ रहे रिश्ते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, छत्तीसगढ़ तक आपने समझ दिया। तो ये थे खुशवंत साहब, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर छत्तीसगढ़ तक के बात करते समय जिन तमाम मुद्दों पर हमने इनसे जानना चाहा या आप जानना चाहते हैं, हो सकता है कि कुछ सवाल छूट गए हो, फिर जब कभी इंटरव्यू करेंगे तो उन सवालों को लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक के बातों में हमने जो भी चीज़ें वर्तमान में जो चल रही है और जो आप जानना चाहते हैं उन तभी तमाम मुद्दों पर हमने बात की और बड़े बेबाकी से खुशवंत साहब ने जवाब दिया। हालांकि मंत्री बनेंगे, किस विभाग को चलाना चाहेंगे, उस पर वो निश्चित रूप से प्रोटोकॉल के तहत बहुत ज्यादा खुलकर नहीं कहे। सहयोगी साहिल के साथ अजय सुनी, रायपुर छत्तीसगढ़ तक।